गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? चलिए आज हम लोग टोमेटो फेशियल सीखते हैं, वो कैसे किया जाता है। टोमेटो हर सीजन में अवेलेबल रहती है, तो इससे टोमेटो फेशियल करना इसलिए बहुत ही आसान है। और इसमें जो चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा ही आपके किचन में वो अवेलेबल रहती है। तो हम लोग सीखते हैं वो टोमेटो फेशियल कैसे करते हैं। टोमेटो फेशियल आपकी स्किन को बहुत ही ग्लो करेगा, जितने सारे ब्लेमिशेस है, जो सन टैन है वो भी चला जाएगा। आप करके देखिएगा, वो एक स्किन में एक अलग सा ही ग्लो आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं टोमेटो फेशियल। पहला स्टेप है क्लींजिंग, और क्लींजिंग के लिए मैंने एक टमाटर धो के यहाँ पे रख लिया है। अभी इसको हम लोग ग्रेट करते हैं। ऐसे करके हम लोग ने इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसको मैं इस कटोरी पे लेती हूँ टोमेटो प्यूरे को। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून मिल्क दूंगी। अगर आप चाहे तो आप नारियल का पानी भी यूज कर सकते हैं। हम लोग ने एक कॉटन बॉल्स लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी सर्कुलर मोशन में यूज़ करेंगे। टोमेटो आपके स्किन को बहुत ही ग्लो बनाएगा, ब्लेमिशेस रिमूव करेगा। और दूध पे यहाँ पे हम दूध में विटामिन्स होते हैं, तो इसलिए दूध भी हम लोग के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तब इसको अपने चेहरे पे कैसे लगाएंगे, ऐसे करके सर्कुलर मोशन पर इसको लगाइए। ये जो क्लिनजर है आप डेली रात को, नहीं तो कभी भी आप जब आपको फेस को आप क्लीन करते हो, आप इसे कर सकते हो। ऐसे सर्कुलर मोशन में यूज कीजिए। ये जो पैक है क्लींजिंग के लिए वो अब 15 मिनट तक रखिए, फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हम लोगों को चाहिए बेसन, और ये चाहिए चीनी। आप चाहे तो रोज वाटर भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्क्रबिंग करने से हम लोग के जितने सारे डेड सेल्स है वो निकल आते हैं, और हम लोग की त्वचा उससे बहुत सॉफ्ट बन जाती है। सो स्क्रबिंग के लिए हम लोग को क्या करना है, स्क्रबिंग के लिए हम लोगों को ये बेसन के साथ चीनी मिलाना है, और थोड़ा सा रोज वाटर। मैं लगभग यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने रोज वाटर दिया। इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद मुझे एक हाफ टमाटर चाहिए जिसको मैंने काट लिया है। इसको हम लोग ऐसे डिप करेंगे, करके बस ऐसे करके रब करेंगे। इसे जितने सारे आपके डेड सेल्स है वो निकल आएंगे। ऐसे सर्कुलर मोशन में आप रब कीजिए। आप चाहे तो अपने हाथों पर, पैरों पर, जहाँ पे सनटैन है वहीं पर भी आप यूज कर सकते हो उसे। ऐसे आप 10 मिनट तक उसको मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में। स्क्रबिंग करने के बाद अभी आप ठंडे पानी से इसे धो लीजिएगा। अभी है नेक्स्ट स्टेप है फेयरनेस पैक। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए टोमेटो, ये दही और ये बेसन। बेसन आपके चेहरे से जितने सारे एक्सेस ऑयल्स रहेंगे वो सारे ये बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये दही आप लोग के स्किन को एक बहुत ही मुलायम सा महसूस कराएगा, और स्किन बहुत ग्लो बनेगा इससे। और हनी हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये भी स्किन को बहुत ही अच्छा करता है। और टोमेटो मैंने पहले जैसे बताया था, ये जितने सारे ब्लेमिशेस है, जो दाग धब्बे है, उसको
वो उससे चले जाएंगे। तो बनाते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रेट कर लिया है यहाँ पे टोमेटो, तो मैं दही पे टोमेटो मिला रही हूँ, टोमेटो प्यूरे। यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच टोमेटो प्यूरे दिया है और 1 चम्मच दही दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसन मिला रहे हैं। बेसन के साथ हम लोग थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, 1/2 चम्मच, और ठीक से इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। हो गया ये पैक रेडी। सो इसको हम लोग अभी लगाते हैं। सो मैंने एक कॉटन ले ली है यहाँ पे। ये पैक को हम लोग धीरे से ऐसा करके लगाएंगे। ये पैक हम लोग 20 मिनट तक छोड़ देंगे लगाने के बाद, और फिर नॉर्मल पानी से धो लेंगे इसे। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने अपनी लेफ्ट हैंड पे मैंने वो पैक लगाया था, तो अभी आप खुद ये डिफरेंस देख पाएंगे। मैंने बस एक ही बार इसको यूज किया है, और अब बेटर रिजल्ट्स के लिए मैं बोलूंगी ये आप हफ्ते पे 2 बार तक यूज कीजिएगा। टोमेटो फेशियल जो है वो स्किन व्हाइटनिंग फेशियल है, क्योंकि इससे सारे दाग धब्बे चेहरे के वो चले जाते हैं। और मैंने जो वो फेशियल दिखाया आपको, वो अगर चाहे आप तो वो आर्म्स में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार सन से हम लोग के आर्म्स भी बहुत काले पड़ जाते हैं, तो आप वहीं पर भी वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहे तो ये हफ्ते पे आप 2 बार इसे यूज कीजिएगा, और आप खुद ब खुद आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि कोई चेंजेस आया है कि नहीं। और आप प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब अगर पसंद आया तो, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और जो बेल बटन है वो भी दबाइएगा, क्योंकि तब कोई भी मेरा वीडियोस आएगा तो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।